हेलो दोस्तों दोस्तों आप जैसे कि थंबनेल पे देखा ही होगा इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। आज जो हम लोग जो चैप्टर दोस्तों जो ईडीडी सेकेंड का चैप्टर नंबर जो 4 है इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेटिंग वाला, ये कंप्लीट करेंगे टोटल पूरा इस क्लास में। अगर अभी तक आपने एक भी नहीं पढ़ा है चैप्टर 4 के बारे में कुछ भी नहीं, तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप 70-80% क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम्प्लीटली एबल होंगे। इसके साथ साथ आपकी जो थ्योरी होगी आपको ऐसा भी नहीं लगेगा आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके में जो थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए, और इसके साथ साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी साथ में दिए। तो एक आज की इसी एक क्लास में सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी, क्लास को आप प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है ना। इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको क्या है कि इस चैनल पर आपको आईएमआरई, ठीक है ना दोस्तों, क्या कौन सा आईएमआरई जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया है। इसमें से आपको 400 एमसीक्यू, कितने 400 एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए, और उसके साथ साथ आपको 56 थ्योरी लेक्चर्स, ठीक है ना, 56 थ्योरी लेक्चर्स आईएमआरई के वो भी दे दिए गए, यानी कि कंप्लीटली आपकी आईएमआरई कंप्लीट है। इसके साथ साथ यूडब्ल्यूटी के भी केवल ऑनली 2 चैप्टर बचे हुए हैं, इसकी आज आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आज और कल में यूडब्ल्यूटी हमारी पूरी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल कूलिंग वाला चैप्टर बचा है, बाकी सब हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्रैक्शन, एलिमिनेशन, वेल्डिंग, हीटिंग, वो भी सारा का सारा कंप्लीट हो गया। सो अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स पीडीएफ, उसके जो एमसीक्यू लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाके देखिए। इस क्लास के बाद आप प्रॉपर तरीके से देख लेना, आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ठीक है ना, सभी लोग लाइक कर दें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एनर्जी मीटर की भूतल से ऊंचाई होती है ये बताना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के बाहर एनर्जी मीटर लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसे बिजली का बिल आप मापा जाता है, तो उसकी जो हमारी ग्राउंड लेवल होती है, ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना, उससे उसकी ऊँचाई कितनी होती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 4 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे एनर्जी मीटर होती हैं उनकी भूतल से ऊंचाई कितनी होती है, तो वो दोस्तों होती है हमारी 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड नंबर, यहाँ पर ये थर्ड कर लेना दोस्तों या फोर्थ कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब दूसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं कि कंज्यूमर परिसर में प्राप्त इलेक्ट्रिक सोर्स पर लगे एनर्जी मीटर के तुरंत बाद सप्लाई को काटने और जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हैं कि आप जब ऐसे पढ़ेंगे, नॉर्मल थ्योरी पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनने के चांसेस हैं। लेकिन आप इस क्लास को देखने के बाद अगर आप एक बार किताब पढ़ने भी जाएंगे तो भी आप समझ पाएंगे हाँ हमारे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इनको वैसे मैंने सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आप इसी में कंसिडर कर दिए कि बता दिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की यानी यही है कि कंज्यूमर परिसर में प्राप्त इलेक्ट्रिक सोर्स पर लगे एनर्जी मीटर के तुरंत सप्लाई को काटने और जोड़ने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिंक स्विच का, या फिर फ्यूज यूनिट का, या फिर TPNIC स्विच का, या फिर ये सभी, यानी कि इन सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इन सभी का मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ सारी डिवाइसों का प्रयोग करते हैं, मतलब हर एक जैसी हमारी सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इसको कैसे करते हैं, एनर्जी मीटर के तुरंत बात करते हैं, तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों बताइए, चैट में बताइए जल्दी से, ठीक है ना। तो हम दोस्तों बता दें कि इसमें से हमारा कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फोर्थ सही है, यानी कि ये सभी, यानी कि लिंक स्विच, फ्यूज यूनिट और TPNIC स्विच, इन सभी का प्रयोग हम लोग एनर्जी मीटर के तुरंत बाद सप्लाई को काटने और जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई होती है ये दोस्तों बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है कि आपके घरों में जो सिंपल सा जिसपे आप फैन वगैरह सब लाइट वगैरह से कनेक्ट होती है वो सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ इसके कुछ सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बन जाते हैं, तो इसमें सिंपल से बताना है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसकी फर्श से ऊँचाई कितनी होती है, ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 3 मीटर, या फिर 2 मीटर, या फिर 1.5 मीटर, या फिर 4 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों, तो हम बता दें आपको इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। अब देखिए ये जो डाटा है जैसे 1.5 होती है, अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा आ गया कि 1.4 तो नहीं, वो भी आपका सही होगा। क्या होता है थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाने की जो हमारी शर्तें होती हैं, कंडीशंस ये होती हैं कि आसानी से वहाँ पर उस आसानी से मतलब वहाँ पर स्विच को ऑन ऑफ किया जा सके, ठीक है ना, वहाँ पर और कोई छोटा बच्चा उसमें ना पहुँच सके। इसके साथ साथ आप मतलब
मतलब एक ऐसे भी मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की आप फर्श से इसकी 30 सेंटीमीटर के अराउंड भी एक ये डाटा भी होता है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए। आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह है, फिर आपने देखा होगा कॉलेजों में आपके घरों पे भी होता है, नीचे कुछ स्विच लगे होते हैं तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी तो एक तो 30 सेंटीमीटर होता है और एक हमारी 1.5 ये भी होता है, 1.5 मीटर भी होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लाइट व फैन सर्किट में कितने एम्पियर के सॉकेट प्रयोग होते हैं, सॉकेट होते हैं, ठीक है ना, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 2 एम्पियर के, या फिर 5 एम्पियर के, फिर 10 एम्पियर के, फिर 15 एम्पियर के, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारे लाइट और फैन सर्किट होते हैं उसमें जो हमारे एम्पियर जो कितने एम्पियर के सॉकेट होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें उसमें से हमारे 5 एम्पियर के सॉकेट होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 सही है। इसके बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लाइट फैन सर्किट होता है इसमें अधिकतम लोड हम लोग कितना रख सकते हैं, यानी कि फिर अधिकतम कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, 500 वाट, 800 वाट, या फिर 800 किलो वाट, या फिर 800 वाट, या फिर 3000 वाट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से सही लगाइए, इतना तो पता होता है कि 800 होता है। अब देखिए क्या करिए कि आपने धोखे से क्या लगा दिया कि अगर आपने सेकंड नंबर लगा दिया तो आपका क्वेश्चन नंबर गलत हो जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया, किलो वाट दिया, तो किलो वाट नहीं कितना होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा पाँचवें का तीसरा सही है, यानी कि कितना होता है, 800 वाट होता है, यानी कि लाइट फैन सर्किट में अधिकतम जो लोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, 800 वाट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि पावर सर्किट में अधिकतम कितना लोड हो सकता है ये बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है 500 वाट, ये फिर 800 किलो वाट, या 800 वाट, या फिर 3000 वाट, ठीक है ना। दोस्तों चैट में बताइए कि इसका कौन सा सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसमें से छठवें नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, इसमें हमारा चौथा सही है, 3000 वाट होता है, यानी कि पावर सर्किट में अधिकतम हम लोग कितना लोड सकते हैं, 3000 का लोड अधिकतम रख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ये थोड़ी सी ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल में यहाँ पर इल्यूमिनेशन लेवल का देखें, क्योंकि इंटरनल वायरिंग है। वैसे मैंने जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है या फिर उसमें IMRE में कई सारी जगह पर यहाँ पर इसको कंप्लीट मैंने करवाया, लेकिन चलो फिर भी यहाँ पर मैं इसी वजह से मैंने केवल ये टेबल दे दिए। आप केवल इसको टेबल को एक बार देख लेना, अगर मन आपका मन करे तो बना लेना एक बार, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ही आराम रहेगा। तो जैसे जो हमारे शिक्षण संस्थान और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें भी देखिए क्या होता है कि वैसे एक नॉर्मल पूछ दिया गया तो वहाँ पर तो हमारा फिर 250 से 1000 आ गया, आप इसके बीच भी हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं, जैसे हमारा क्लासरूम, तो क्लासरूम में हमें कितना चाहिए इल्यूमिनेशन, 250 से 300 चाहिए। वर्कशॉप में हमारे 200 से 500 चाहिए, और ड्राइंग हॉल में कितना चाहिए, 500 से 1000 चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अस्पताल में बात करते हैं, तो अस्पताल में अगर हम लोग नॉर्मल जैसे उसमें जो कॉरिडोर वगैरह हैं या फिर ऐसे हैं गली वगैरह में, तो हम लोग वहाँ पर सिंपल से 150 लक्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि इल्यूमिनेशन का। कार्य स्थान यहाँ पर फर्स्ट एड होता है वहाँ पर 500, ऑपरेशन थिएटर में 500 से 1000, और ऑपरेशन टेबल पर 2000 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप देख लीजिए। इसका दुकान पर, तो दुकान पर अगर नॉर्मल है हमारा, जैसे नॉर्मल अगर लाइटनिंग है, तो वो हमारी 300 से 500 के बीच इल्यूमिनेशन होता है, लेकिन हमारी जो शोरूम होते हैं, प्रदर्शन रूम जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर 1000 तक की होती है इल्यूमिनेशन। होटल और भोजनालय में बात करते हैं, तो अगर किचन में बात करें तो किचन में 200 से 300 होता है, और भोजन और जलपान वाले में 100 से 150 के बीच इल्यूमिनेशन लेवल होता है। अब हम लोग फैक्ट्री में या वर्कशॉप में बात करें, तो जैसे जहाँ पर नॉर्मल फिटिंग और असेंबली होती है, तो वहाँ पर तो हम लोग 250 से 300 के बीच करते हैं, लेकिन जैसे वेल्डिंग, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, वहाँ पर 200 से 500। सूक्ष्म मशीनों के लिए हम लोग 500 से 1000, और अति सूक्ष्म मशीनों के लिए 1000 से 2000, ठीक है ना। सभा भवन, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रदर्शनी रूम में 250 से 500। सूक्ष्म सिलाई कढ़ाई नकाई इन सब में कैसी होती है, 700। और जो अति सूक्ष्म कार होते हैं उनमें से 1000 से 2000 के बीच होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम लोग दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्लीज़ क्लास को मैं कह रहा हूँ पूरा देखिए, आप इस क्लास को जब पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, और आप समझ पाएंगे नहीं हाँ मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है अगर अभी तक, ठीक है ना, आप समझ पाएंगे। इसका सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा पावर सर्किट होता है उसमें 15 एम्पीयर कैपेसिटी के अधिकतम कितने सॉकेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। एक तो देखो मैंने दो पहले तो एक क्वेश्चन को तो मैंने क्वेश्चन में ही कवर कर दिया है, मतलब कि एक पॉइंट्स को कि पावर सर्किट में पहले बात तो हमारे सॉकेट कितने एम्पीयर के होते हैं, वो हमारे होते हैं 15 एम्पीयर के, तो उसको तो मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया कि पावर सर्किट में 15 एम्पीयर के अधिकतम सॉकेट होते हैं। अब कितने होते हैं तो वो बताना है आपको, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें कि पावर सर्किट जो होता है उसमें जो अधिकतम सॉकेट होते हैं कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे दोस्तों 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, वो 2 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सामान्यता वायरिंग में फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई होती है, ये बताना है। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जैसे अगर हमारा ये एक रूम है, सपोज ये हमारा एक रूम है ये, तो इसमें पूछा गया है कि हमारी जो मतलब इसकी जो
सामान्यतः वायरिंग में फर्श से क्षैतिज ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है वायरिंग की। तो क्षैतिज का मतलब होता है ये इस तरीके से जो होता है ना, ये होती है हमारी क्षैतिज और ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि क्षैतिज रनिंग कितनी होती है, क्षैतिज ऊंचाई कितनी होती है वायरिंग की फर्श से। पहला ऑप्शन है 2.5 मीटर, या फिर 1.5 मीटर, फिर 3.5 मीटर, फिर 4 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा सामान्यता वायरिंग में फर्श से क्षैतिज रनिंग की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 3.5 मीटर। कितनी होती है? 3.5 मीटर। अब देखिए दोस्तों, अब जब लेकिन बहुत ज़्यादा जब अगर हो जाए सिंपल सा, मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये तो हमारी नॉर्मल है कि अगर हमारी कमरा वगैरह फिर जो भी है वो 4 मीटर तक का है, तब तो हमारी 3.5 मीटर रहेगी फर्श से। लेकिन अगर हमारा इससे ऊंचा है, मतलब कोई अगर बड़ा हाल वगैरह है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, सीलिंग से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? छत से देखते हैं। और छत से कितना छोड़ देते हैं हम लोग? छत से 0.5 मीटर की ऊंचाई छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद उतने से रन करा देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जरूर चैट में बताइए यस और नो करके। अगर नहीं भी कोई पॉइंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैट में भी बता दीजिए कि ये सर मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लाइट फैन सर्किट के लिए कंडक्टर की माप कितनी होती है, यानी कि जो हमारे लाइट फैन के लिए जो सर्किट होते हैं उनमें कंडक्टर की माप कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, कंडक्टर का माप का मतलब यहाँ पर एक मिनिमम है कि इतने से हम लोग कम माप का कंडक्टर नहीं ले सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल इसी माप का कंडक्टर हर जगह यूज होगा, नहीं, वो तो हमारे फिर जैसा मतलब जैसा हमारा लोड होगा उस अकॉर्डिंग हम अपने कंडक्टर की नाप को साइज़ को कंफर्म करेंगे लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक मिनिमम लेवल भी होता है कि इससे कम लेवल का यानी कि कम माप का तो हम कंडक्टर यूज ही नहीं कर सकते, ये बताना है। तो जो हमारा लाइट फ्रंट सर्किट होता है इसमें कंडक्टर की माप कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 mm² या फिर 2.5 mm², 1.5 mm², फिर 3 mm², या मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, mm², इस वजह से यहाँ पर यूनिट। तो दोस्तों हमारी जो लाइट फैन सर्किट के लिए जो कंडक्टर की माप होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पावर सर्किट के लिए कंडक्टर की माप होती है दोस्तों, ये बताना है। अब आ गया कि पावर सर्किट के लिए, तो पावर सर्किट में भी मैंने बता दिया कि ये हमारा मतलब एक मिनिमम है कि मिनिमम हमारा इतने कंडक्टर का माप पावर सर्किट में होना ही चाहिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा कौन सा है? 1 mm² या फिर 2.5 mm² या फिर 1.5 mm² या फिर 3 mm², ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों चैट में बताइए कौन से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। हम इसमें बता दें आपको कि जो हमारे पावर सर्किट होते हैं इनमें जो हमारे कंडक्टर की माप होती है मिनिमम, वो कम से कम कितनी होती है? 2.5 mm² तो होती ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया है क्लास को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि उनसे उनका भी एडवांटेज होगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, ये मेरे मोटिवेशन का वर्क करता है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने देखो IMRE को तो बहुत अच्छे लेवल से ख़त्म कर दिया, इसी तरीके से मैं आपको जल्दी EDD और आपकी UEE भी फिनिश करा दूंगा, ठीक है ना। अगर फिर कोई डाउट्स हो तो आप बताते रहिएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षैतिज वायरिंग रन में क्लिपों के बीच की दूरी क्या होती है, ये बताना दोस्तों। अब क्या होता है, सिंपल से ये समझिए कि जब हमारी जैसे कोई अगर ये हमारी जा रही वायरिंग जा रही, अब ये वायरिंग कितने टाइप्स की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, ये अभी मैं इसी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के साथ समझा करके भी डायग्राम आपको वो बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखना। यहाँ पूछा गया कि क्षैतिज वायरिंग, जैसे अगर ये हमारी क्या जा रही है, कोई एक वायरिंग जा रही है, तो उसमें पूछा कि जैसे क्लिप के बीच यहाँ पर क्लिप लगती होगी नहीं, कितनी लगती होगी, तो पूछा कि जो क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होती है अगर हमारी वायरिंग क्षैतिज है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हम अगर हमारी वायरिंग क्षैतिज रूप में जा रही है, तो क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, ठीक है ना, वो कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी हमारी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये क्लिप हमारी कितने 10 सेंटीमीटर के बीच दूरी पर लगेंगी। 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्टिकल वायरिंग रन में क्लिपों के बीच की दूरी, वर्टिकल वायरिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे अगर सपोज आपकी ये दीवार है, ठीक है ना, जैसे ये आपकी, सिंपल से मैं बता देता हूँ, ये आपकी क्या है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है, और आपकी वायरिंग कैसी जा रही है, आपकी वायरिंग ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो फिर यहाँ पर क्लिपों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो हमारी कितनी होती है दोस्तों? वो होती है हमारी 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है ये ऐसे, और हमारी वो कैसी होती है, और 36 कैसी होती है? 36 हमारी ऐसी वायरिंग करती है, तो वहाँ पर हमारी कितनी होती है? वहाँ पर हमारी 10 होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सामान्यतः लैंप तथा फैन की फर्श से ऊंचाई होती है, ये बताना है। सामान्यतः लैंप और फर्श से मतलब ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा,
तो दोस्तों इसमें हमने बताया जो लैंप तथा फैन के फर्श से जो ऊंचाई होती है वो हमारी होती है सामान्यता इसमें पूछा गया तो वो होती है 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारी 2.5 मीटर तब है जब हमारी 3 मीटर तक के लिए है, यानी कि 3 मीटर तक की अगर हमारी दीवार है तो हमारा तो 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर की ऊंचाई तक रहेगा आपका लाइट और फैन। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग फिर सीलिंग से माप लेने लगते हैं, और सीलिंग से हम लोग कितना छोड़ देते हैं 0.5 मीटर, जैसे कि हमने वायरिंग पे बताया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से कि जो हमारे फ़ैन होते हैं वो कहाँ पर किस तरीके का फ़ैन है, कितनी माप का फ़ैन यूज़ हो रहा है, यूज़ होगा ये बताना है। मतलब इसमें टेबल में बता ही दिया मैंने। तो जैसे अगर हमारा रूम की माप कितनी है, यानी कि 2.5 × 2.5 × 3.5 है, यानी कि लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, ब्रिथ कितनी है, चौड़ाई कितनी 2.5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। ये रूम हमारे छोटे भवन या फिर रूम या दुकानों में ऐसे होते हैं रूम, और तो वहाँ पर हम लोग फ़ैन की माप कितनी, यानी कि 900 mm माप का हम लोग ये फ़ैन यूज करेंगे। अगर हमारा बेडरूम और वो दुकान में हो गया तो अगर कोई 2 × 3 × 3.5 मीटर वॉल्यूम का कोई अगर हमारा रूम है तो फिर वहाँ पर हम लोग 1200 mm का यूज करेंगे फ़ैन। इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग फैक्ट्री या वर्कशॉप या बड़े हॉल की बात करें तो वहाँ अगर वो हमारा कितना 5 × 5 × 4 यानी कि 5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर ऊंचाई है, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल सा 800 mm फ़ैन की माप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज़ नोट्स भी कर लीजिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्विच की फर्श से ऊंचाई होती है, ये बताना है आपको कि स्विच से फर्श से ऊंचाई होती है, ये सामान्यता पूछा गया है कि सामान्यता आपको बताना है कि कितनी होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि स्विच की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2.5 मीटर, 1.05 मीटर, या फिर 1.3 मीटर, या फिर 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें कि स्विच की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, वो होती है हमारी 1.3 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसमें सी सही है, ठीक है ना। देखिए मैं थ्योरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर देते भी जा रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ। कंप्लीट इस क्लास में आपका टोटल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने किसी ने लाइक नहीं किया, अगर किसी ने भी जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। इतने लोगों में कैसे काम चलेगा भाई, जल्दी से और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बड़े हाल व सीढ़ियों के लिए किस प्रकार स्विच प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिंगल वे स्विच, डबल वे स्विच, ट्रिपल वे स्विच, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बड़े हाल मतलब यहाँ पर कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हम आपको बता दें। इसमें से हम लोग डबल वे स्विच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समझिए कि डबल वे स्विच मतलब क्या होता है, कि ऐसा होता है कि अगर ये रूम हो गया, अब आप क्या जाएँ कि आप यहाँ से जाएँ, और ये जैसे सीढ़ी होती है तो यहाँ जब तो आप नीचे से जैसे ही पहले सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो यहाँ से बटन दबाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है, और जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर से बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, तो नीचे की भी लाइट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, यानी कि टू वे कंट्रोल होता है। तो इस वजह से डबल वे स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंड्यूट वायरिंग में कंड्यूट की माप सामान्यता होती है। अब ये कंड्यूट वायरिंग कितने टाइप की होती है, ये सब मैंने इसी लेक्चर्स में इसी क्लास में बात की है, सो प्लीज़ वीडियो के साथ मतलब बने रहिए, पूरा देखिए क्लास को। कंड्यूट वायरिंग में हम लोग कंड्यूट की माप सामान्यता कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है, पहला ऑप्शन है 10 mm, 20 mm, या फिर 16 mm, या फिर 26 mm। दोस्तों चैट में बताइए कि कौन से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारी कंड्यूट वायरिंग में कंड्यूट की जो माप होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 16 mm। कितनी होती है 16 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही सही है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि औसत लोड तथा अधिकतम लोड के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए आपका ये इलिमिनेशन से थोड़े बहुत आप इलिमिनेशन वाला जो है मैंने करवाया, नहीं तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। तो इसमें पूछा गया औसत लोड तथा अधिकतम लोड के अनुपात को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि अधिकतम डिमांड, या फिर लोड विचलन, या फिर डिमांड फैक्टर, या विचलन फैक्टर। तो दोस्तों हम आपको बता दें औसत लोड तथा अधिकतम लोड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिमांड फैक्टर। क्या कहते हैं, डिमांड फैक्टर। अब अधिकतम लोड क्या होता है, अधिकतम लोड का मतलब होता है कि आपके घर में जितना भी लोड कनेक्टेड है तो ये आपका मैक्सिमम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपके घर में सारी चीज़ें एक साथ ही चलती हों, ठीक है ना। कभी कहीं का बल्ब ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, कभी फ्रिज चलता है, कभी फैन चलता है, तो इस तरीके से, तो इसे हम लोग बोलते हैं औसत लोड। तो औसत लोड तथा अधिकतम लोड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुल अधिकतम इलेक्ट्रिक डिमांड तथा कार्यरत अधिकतम डिमांड के अनुपात को क्या कहते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है कि कुल अधिकतम इलेक्ट्रिक डिमांड और कार्यरत अधिकतम डिमांड, ठीक है ना, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक डिमांड कितनी है और कितनी कार्य कर रही है अधिकतम डिमांड, तो उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम डिमांड, या फिर लोड विचलन डिमांड फैक्टर, या फिर विचलन फैक्टर। दोस्तों हम आपको बता दें इसको क्या कहते हैं, हम लोग विचलन फैक्टर कहते हैं। इसका मान हमेशा क्या होता है कि इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ये आप याद कर लीजिए कि जो हमारे विचलन फैक्टर होता है इसका मान 1 से ज़्यादा ही हो जाता है,
इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए स्विच कौन सा प्रयोग करते हैं। ये अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये हमारा मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें यहाँ पर इस पॉइंट्स बताऊंगा आपको। जैसे क्या होता है कि जो हमारा DPIC स्विच होता है तो ये तो हमारा सिंगल फेज के लिए हो गया, और हमारे थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं TPIC स्विच, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है। थ्री फेज फोर वायर के लिए वगैरह की बात करें तो वहाँ पर TPNIC स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे बुक अगर बुक भी सामने लिए हो तो बुक आप वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, और मैं इसका PDF भी लास्ट में बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, सो डोंट वरी, प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि साइज ऑफ कंडक्टर्स किन बातों को ध्यान में रखकर मतलब बनाया जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि रूल फॉर मिनिमम साइज, मिनिमम साइज का कितना होगा, करेंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप उसमें कितना होगा, या फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो भी कोई भी हमारे जो साइज का कंडक्टर होता है, किसी भी साइज का जो कंडक्टर होता है उसको जो बनाने का ध्यान है वो उसकी मिनिमम साइज कितनी रखनी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, ये सारा का सारा ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। अब जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर कॉपर की बात की थी कि कितने mm का हमारा कॉपर प्रयोग हो सकता है, जैसे ये देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए लाइट फैन सर्किट की बात करें तो वहाँ पर हम लोग 1.5 mm का कम से कम 1.5 mm का तो कंडक्टर लेंगे। जैसे पावर सर्किट में भी हमने बताया था कि 2.5 mm का होगा, तो ये हमारी एक मिनिमम माप होगी। इसके बाद उसमें कितना लोड बढ़ रहा है ये तो हमारा बाद में तो डिपेंड करता ही है, उसके अनुसार डिजाइन। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने जो वायरिंग है उनकी एक साथ मैंने बात कर दी है कि उनकी मैंने कंपैरिजन यहाँ पर दे दिया। अगर आप ये टेबल बनाना चाहें तो बना लीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सिंपल सा लिख लीजिए, ठीक है ना, और अभी नहीं तो आप ऐसा करिए कि क्लास को अभी आप पूरा देखिए, इसके बाद क्लास को दोबारा से देखना और फिर नोट्स बनाना, तो आपको और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे यहाँ पर बताएगी कि जी ये हमारे देखिए वायरिंग है क्लीट कास्ट कवर बैटन वायरिंग सीमा कोस्ट, ठीक है ना, और कंडिट वायरिंग, इन सभी के बारे में अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे सीमा कैसे बैटन होती है, उसकी क्या एडवांटेज, ये तो मैंने एक कंपैरिजन इन सबका बता दिया है। जैसे आवश्यक वायरिंग सामग्री अगर इसमें बात करें क्लीट वायरिंग, तो VIR या PVC या केबल पेंच गुल्ली ये सब प्रयोग होता है। केसिंग केपिंग में हमारा क्या सॉरी कास्ट वायरिंग में केसिंग केपिंग प्रयोग होता है, VIR या फिर PVC केबल होती है, पेंच गुल्ली इसमें भी, बैटन वायरिंग में बैटन चाहिए, वायरिंग क्लिप चाहिए, TRS या CTS या PVC केबल पेंच गुल्ली ये सब चाहिए। सीमा कोस्ट वायरिंग में बैटन सीमा चाहिए, कोस्ट सीड केबल चाहिए, वायरिंग क्लिप पेंच इसमें भी चाहिए, और कंड्यूट वायरिंग में एक वाहक नली होती है, VIR PVC केबल हुक पेंच गुल्ली ये सब सारा सारा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अधिकतम वोल्टेज किस में होता है, तो अधिकतम वोल्टेज आप देख सकते हैं कि सब में लो वोल्टेज ही होता है, लगभग क्लीट हो चाहे कास्ट हो चाहे बैटन हो चाहे सीमा कोस्ट, सब में लो ही होता है। लेकिन इसमें कंड्यूट वायरिंग में हमारा लो और मीडियम दोनों तरफ का वोल्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फ्लो करा सकते हैं, यानी कि 440 तक का वोल्टेज हम लोग अपने कंड्यूट वायरिंग में फ्लो करा सकते हैं, और इन सब में हमारा 220 तक का ये लगभग, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कास्ट की बात करें तो कॉस्ट यानी कि कीमत की बात करें तो क्लीट वायरिंग की बहुत कम होती है, क्यों कम होती है ये भी आगे भी बात करेंगे तो बताएंगे आपको कंफर्म हो जाएगा, इसकी बहुत कम होती है। कास्ट वायरिंग की मध्यम होती है, बैटन वायरिंग की भी निम्न मध्यम होती है, और सीमा कॉस्ट की भी हमारी कैसी होती है, अधिक होती है, और जो कंड्यूट वाली उसकी भी, क्योंकि उसमें पाइप वगैरह की आवश्यकता पड़ जाती है, इस वजह से उसमें क्या हो जाता है कि अधिकतम हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद टिकाऊपन की बात करें कि ड्यूरेबिलिटी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा अधिक होगी, दोस्तों हमको बता आपको बता दें सबसे बहुत कम किसकी होती है, क्लीट वगैरह की होती है, फिर अधिक, फिर ये सबकी अधिक ही होती है, और जो सबसे ज़्यादा होती है ये कंड्यूट की होती है। तो आपको दो पॉइंट्स याद रखना कि सबसे कम किसकी होगी वो क्लीट की, और सबसे अधिक किसकी होगी ड्यूरेबिलिटी वो होगी हमारी कंड्यूट की। इसके बाद सुंदरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है वो बिल्कुल कंड्यूट वायरिंग दिखती है, क्योंकि इसमें बाहर हमारा नहीं होते, और हम इसकी बात करें ये हमारी जो क्लीट होती है बहुत अच्छी नहीं दिखती, और बाकी सब कुछ कुछ अच्छी दिखती है। तो इसको अब सबसे ज़्यादा कौन अच्छी दिखती है, सबसे ख़राब कौन अच्छी दिखती है, ये आपको बात करना। आवश्यक कार्य कुशलता की बात करें तो क्लीट वायरिंग साधारणता है, लेकिन जैसे हमारी एक कास्ट वाली होगी इसमें उच्च कार्य कुशलता की चाहिए, फिर बाकी में सब में मध्यम और कंड्यूट में भी उच्च कार्य कुशलता की चाहिए। आग से बचाव क्लीट में बहुत कम होता है, कास्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें पर्याप्त होता है बाकियों में सीट वगैरह की, लेकिन कंड्यूट में सबसे ज़्यादा पर्याप्त होता है, वो उसमें आग से बचाव भी होता है। नमी वगैरह से भी बचाव के लिए सबसे उत्तम कौन सी होती है हमारी, सिंपल सी, तो वही हमारी कंड्यूट वायरिंग भी होती है, ठीक है ना, ये कंड्यूट वायरिंग होती है। मैकेनिकल से छोटों से बचाव तो इसमें क्लीट में तो भी नहीं होता, बाकी में मध्यम और निम्न होता है, और सबसे उत्तम हमारे किस में यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बचाव मैकेनिकल बचाव कंड्यूट में होता है। परिवर्तन हेतु को बात करें तो बहुत सरल होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं क्लीट वगैरह में, बाकी कास्ट में कठिन होता है, बाकी में सरल मध्यम और, लेकिन कंड्यूट में हम लोग हाँ इस चीज़ का है कि हमारे उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। विश्वसनीयता की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें किस में होती है हमारी, कंड्यूट में, और सबसे कम किस में होती है, क्लीट में होती है, ठीक है दोस्तों।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों इस टेबल को आप प्लीज़ अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि आप बना लीजिएगा, बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद उपयोगी क्षेत्र की बात करें तो उपयोगी क्षेत्र में अस्थायी इंस्टॉलेशन के लिए क्लीट वगैरह, आवास वाणिज्य कार्यालय भवनों के लिए हम लोग कास्ट वगैरह, फिर सीट वगैरह की, फिर केबल वाली, ये सारी की सारी, और सार्वजनिक भवनों, गोदाम, वर्कशॉप और प्रयोगशाला में, और फिर कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंड्यूट वायरिंग ही प्रयोग होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे उपयोग हो गए, तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल की दोस्तों बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, आने के कंफर्म चांसेस है कि इस तरीके के आपके सिंबल आएंगे। तो पहला आप देख लीजिए, देखिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए सिंबल लगभग आने के चांसेस हैं, और नहीं भी अगर आएंगे तो आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ मैं जो आपको कंटेंट्स दे रहा हूँ बहुत अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस पर पूरा फुल्ली विश्वास कीजिए, आप डोंट वरी, ठीक है ना। आप बुक पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक आपको नहीं पढ़ना, मेरी क्लास से आप नहीं, आप पेपर में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस क्लास को देखने के बाद अगर आप फिर बुक पढ़ेंगे या फिर कुछ, तो आप ऑटोमेटिक कंफर्टेबल फील करेंगे और आप समझ पाएंगे कहाँ पर से ऑब्जेक्टिव बनेगा और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप अपने से बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन, देखिए एनर्जी मीटर का साइन क्या होता है कि एक हमारा गोला होता है, उसके अंदर हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा एनर्जी मीटर का साइन है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्रॉस अगर हम लगा दें तो ये हमारा किसका होता है, बल्ब का होता है। किसका होता है, बल्ब का होता है। अगर हम लोग क्या करें कि क्रॉस को एक रेक्टेंगुलर शेप में बंद करके उसके नीचे डब्ल्यू लिख दें तो वो हो जाता है फिर हमारा वाटर प्रूफ बल्ब पॉइंट हो जाता है। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें ये देखिए सिन ऐसे साइन लगाते हैं, तो उसे हम लोग मेन स्विच बोलते हैं। ट्यूबलाइट हमारी सिंपल से दो लाइन है, उसको साइड से लिमिटेड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को रेक्टेंगुलर उसके लिख देते हैं अंदर डीबी। इसके बाद ये देखिए 5 एम्पीयर का सर्किट दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 एम्पीयर का सर्किट ये देखिए इस तरीके का होता है। 5 एम्पीयर का सर्किट कहाँ पर प्रयोग होता है, ये हमारा होता है कि कौन सी नॉर्मल वायरिंग में प्रयोग होता है, ठीक है ना, डोमेस्टिक वायरिंग जिसे भी हम लोग कह सकते हैं। एचडीबी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। 15 एम्पीयर के सर्किट ये पावर सॉकेट के लिए होता है, पावर वायरिंग के लिए वहाँ पर यूज था। स्विच बोर्ड SBSA और सीलिंग फैन, देखिए सीलिंग फैन का जो हमारा साइन होता है वो ऐसे होता है। लाइट फैन मेन स्विच सर्किट में ऐसे देखिए बनाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, देखिए इसका मेन स्विच का ऐसे ही है लेकिन यहाँ पर लाइट फैन आ गया तो L बना दिया। एग्जॉस्ट फैन को क्या करते हैं, जैसे सीलिंग फैन बनता है सेम ही उसके बस उसके चारों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सर्किल कर दे रहे हैं। इसके बाद पावर सर्किट की बात करें तो जैसे हमारे सब बने लाइट फैन, बस यहाँ पर पावर के P लिख देना है, आपको देख रहे होंगे आप। इसके बाद इलेक्ट्रिक बेल में क्या करना है, ये देखिए इलेक्ट्रिक बेल का है जैसे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लाइट फैन परिपथ है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पावर सर्किट है, और ये फैन रेगुलेटर है, और ये पुश बटन। तो ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आप अगर नोट करना चाहें तो कहीं पर नोट भी कर लीजिए, ठीक है। और बताइए अच्छे दोस्तों, ये बताइए कमेंट्स में, चैट में बताइए कि क्या ये जो कंटेंट दिया जा रहा है कैसा है आप, ठीक है ना, अच्छा है कि नहीं है। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायरिंग के लाइट फैन सर्किट में कॉपर तथा एल्यूमिनियम कंडक्टर की माप होती है। दोस्तों ये बताना है कि जो हमारे वायरिंग होते हैं उसमें लाइट फैन सर्किट में जो कॉपर होता है तथा एल्यूमिनियम होता है वो कितने कंडक्टर के माप का होता है, दोस्तों ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन है कि 0.96 mm या फिर 1.5 mm² या फिर 1.5 mm² 0.96 mm² 1.5 mm² या फिर 1. दोनों सेम होते हैं या फिर 0.96 mm² या 0.96। दोस्तों हम आपको बता दें जो वायरिंग की लाइट फैन सर्किट में कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर के जो माप होती है वो कितनी होती है। तो जो हमारा कॉपर होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, चैट में बताइए, हाई होती है, और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है। तो इसी वजह से कॉपर के पतले तार भी ज़्यादा, मतलब उस पर ज़्यादा करंट फ्लो होगा सिंपल का। तो ऑटोमेटिक हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही, 0.96 mm² हमारी कॉपर की कंडक्टर की माप होती है और 1.5 mm हमारा किसकी होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर तो हमारे इसमें कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही हो गया, ठीक है ना। इसके नंबर 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर सर्किट के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम कंडक्टर की माप बताना। अब देखिए वहाँ तो हम लोगों ने बात कर लिया है किसके वायरिंग लाइट फैन सर्किट के लिए, लेकिन अब हम लोग जो पावर सर्किट के लिए बात करते हैं तब उसमें बताना है। पहला ऑप्शन है 0.96 mm² 1.5 mm², या फिर बी ऑप्शन है 1.93 mm² या फिर 2.5 mm², सी ऑप्शन है 1.5 mm² 1.5 mm या फिर 2.5 × 1.93। दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर सर्किट होते हैं उसमें से जो कॉपर वायर होता है उसकी माप कितनी होती है, 1.93 mm², और एल्यूमिनियम की होती है 2.5 mm², ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए मिनिमम है कि इतना तो हमारा होता ही है, इसके बाद और भी ज़्यादा तो और भी फिर मोटा हम लोग वायर यूज कर सकते हैं अपना कॉपर और एल्यूमिनियम का। इसके बाद देखिए जो अभी मैंने प्रतीक बताई थे, तो सबसे पहले तो आप चैट में तुरंत लिख डालिए कि जो ए नंबर है वो किसका प्रतीक है, बी नंबर में जो है वो किसका प्रतीक, सी नंबर में किसका और डी नंबर में किसका। वैसे क्वेश्चन में क्या है कि इसमें पूछा गया कि एग्जॉस्ट फैन का प्रतीक क्या है दोस्तों, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। दोस्तों बताइए कौन सा, चैट में जल्दी से बताइए कौन सा है, और बाकी सभी सिंबल को दोस्तों चैट में लिखिए,
मैं देख रहा हूँ चैट में लिखिए सबसे सभी लोग कि सब ये सिंबल हैं, उन सब सिंबल के क्या क्या साइन है अभी मैंने ऊपर ही जस्ट बताए, लिखिए जल्दी से चैट में, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसका जो प्रतीक होता है क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो हमारा नॉर्मल फैन का प्रतीक है, जब इसको हम लोग गोले के अंदर बंद करते हैं तो हमारा एग्जॉस्ट फैन का हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब चलो बता ही देता हूँ, ये जो हमारा पहला है ये तो नॉर्मल फैन का है, किसका है, फैन का है। जो बी नंबर में ये किसका है, पुश बटन का है, किसका है, पुश बटन का है। ये तो हमारा एग्जॉस्ट फैन का, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये हमारा किसका है, रेगुलेटर का है, फैन रेगुलेटर का है, ठीक है ना। इस तरीके से अब 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 15 एम्पीयर सॉकेट पॉइंट का प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो ये बताना है आपको, तो इसमें से पहले बात तो आप इसमें जितने भी साइन दिए गए हैं सभी ऑप्शन के सभी साइनों को आप नाम लिख डालिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बताइए इसमें कि 15 एम्पीयर सॉकेट का पॉइंट कौन सा होगा। तो दोस्तों वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, जल्दी से बताइए चैट में कौन कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा किसका है, ठीक है, जल्दी से बताइए चैट में। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 15 एम्पीयर का जो सॉकेट है उसका प्रतीक कितना होता है, ये होता है, ठीक है ना। ऐसे किया ये डबल आ जाता है 15 एम्पीयर, और अगर सिंगल है तो सिंगल में 5 एम्पीयर होगा। ये हमारा किसका है, पुश बटन का, और ये हमारा किसका है, एनर्जी मीटर का है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर मैं थ्योरी को भी अभी वायरिंग वगैरह क्या होगा उस सबको मैं बताऊंगा, सो प्लीज़ क्लास को प्लीज़ पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो आप पॉइंट्स दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डायरेक्ट प्रदीपन में यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है। दोस्तों ये बताना है, पहला ऑप्शन है 0.1 से 0.35 तक, या 0.4 से 0.6 तक, या 0.6 से 0.8 तक, या फिर 1। दोस्तों हम आपको बता दें डायरेक्ट एलिमिनेशन सिस्टम में हमारे जो यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान वो कितना होता है, 0.4 से 0.6 तक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब हमारा ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिप्रिसिएशन फैक्टर का मान कितना हो। दोस्तों ये बताना है, पहला ऑप्शन 1 0.778, या फिर 0.9, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें जो डिप्रिसिएशन फैक्टर का जो मान होता है, ठीक है ना, वो कौन सा कितना होता है, वो होता है 0.778। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। अब यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वायरिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, सो प्लीज़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और उसके बाद आप क्लास को 2-3 PDF आप निकाल लेना यहाँ से आप, और मैं बता दूंगा आपको, और उसके बाद आप अच्छे से 3 से 4 बार क्लास को देख लेकर बाकी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायरिंग की बात करते हैं, तो सिस्टम सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ वायरिंग की बात करते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्लीट वायरिंग, केपिंग, केसिंग वायरिंग होती है, एक होती है केसिंग केपिंग वायरिंग आप PVC, एक होती है लेड शीट या फिर मेटल शीट जिसे बोलते हैं, या फिर एक होती है हार्ड रबर शीट वायरिंग। ये 5 प्रकार की वायरिंग होती है, मैंने ऊपर अभी कंपेरिजन भी बताया था, ठीक है ना। दोस्तों अब क्लीट वायरिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। जो क्लीट वायरिंग दोस्तों होती है, एक तो अस्थायी वायरिंग होती है, इसके बाद इसमें क्लीट किसकी बनी होती है, आप देखिए यहीं से देखिए मैं कन्फर्म बता रहा हूँ यहाँ से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बहुत अच्छे से निकलेंगे, और उसी के अनुसार मैंने नोट्स भी बनाया ताकि आपको आसानी हो। जो क्लीट होता है वो किसका बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक में स्लॉट होता है और दूसरा उसमें ढकने के लिए होता है। बीच में जो स्क्रू होता है वो कितने mm का होता है, वो हमारा 35 mm के लिए होता है, कसने के लिए होल होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है हमारा 2-way क्लीट वायरिंग, होता है 3-way क्लीट वायरिंग। अब इसकी दीवार से ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 meter पर होती है, गिट्टी या रोल पलंग के ऊपर लगाई जाती है। क्लीट में आपस की दूरी कितनी होती है, वो होती है 30 cm से 60 cm। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो क्लीट होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 30 cm से 60 cm। लेकिन वैसे अगर हम लोग नॉर्मल वायरिंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर ये पूछ लिया गया कि क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर हमारी 36 जा रही तो वो दोस्तों चैट में बताइए, मैंने जस्ट ऊपर क्वेश्चन को करवाया ही। लेकिन अगर हम क्लीट में पूछ ले कि क्लीट में कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 30 to 60 cm के बीच, ठीक है ना। इसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, सस्ती होती है, नो स्किल यानी कि कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, मटेरियल दोबारा में प्रयोग में आ सकता है, टेस्टिंग बदलाव फॉल्ट बहुत आसानी से मतलब इसमें डिटेक्ट किया जा सकते हैं और सही किया जा सकते हैं, कम समय में लगाई जा सकती है और आसानी से हटाई भी जा सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ओपन होती है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती, मौसम का असर जल्दी होता है, वायर पर फिजिकली नुकसान होता है। अब देखिए कैसी होती है क्लीट वायरिंग, आप ये देख लीजिए, ये देखिए ये होती है हमारी दोस्तों ये क्लीट वायरिंग। अब इसमें देखिए 2 पार्ट है, एक में देखिए ये नीचे वाला जो पार्ट है, अब देख सकते हैं ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसमें से हमारी क्या क्या इससे वायर जाएंगे, और ये ऊपर वाला हमारा कैप टाइप का है, किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। और ये देखिए ये जो 2 क्लीट के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी, 30 to 60 cm होती है, ठीक है ना, 30 to 60 cm के बीच की होती है, ये हमारी क्लीट वायरिंग होगी। केसिंग केपिंग वायरिंग की बात करते हैं, देखो केसिंग केपिंग वायरिंग कैसी होती है, ये देखिए इस तरीके की केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इसके बाद केसिंग दीवार पर लगती है, और केपिंग कैप होता है, केपिंग का मतलब कैप हो गया। ये लो वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है,
क्लोज प्लेस और वायरिंग हाउस के लिए प्रयोग होती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो केसिंग होता है जो दीवार के ऊपर लगता है, कैपिंग होता है, और केसिंग के ऊपर हम कैपिंग किसके केसिंग के ऊपर लगता है। केसिंग के ऊपर ट्यूब्स बनी होती हैं जिनमें से वायर डाले जाते हैं। मैंने भी बताया ना कि जैसे क्या होता है कि सिंपल से ये ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे बने होते हैं नाली टाइप के, उसमें हमारे ट्यूब्स बने होते हैं, उनमें से हम लोग वायर्स डालते हैं। इसके बाद केसिंग की चौड़ाई जो होती है वो केपिंग की चौड़ाई के बराबर होती है। अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो कई सारे साइजों में होता है, 38 mm to 19 mm, ये हमारी दो वायर के लिए जो होती है, ठीक है ना। अगर और भी दो वायर के लिए, तीन वायर के लिए आप देख सकते हैं, इसमें से 76 mm to 25, ठीक है ना। फेज और न्यूट्रल वाले इसमें अलग अलग ट्यूब में होती है। केसिंग केपिंग के ऊपर बाद में वार्निश की कोटिंग कर दी जाती है। केसिंग केपिंग जो स्क्रू होते हैं वो 35 mm के यूज होते हैं, और जो केसिंग के जो स्क्रू होते हैं 35 mm के, और जो केपिंग के जो स्क्रू यूज होते हैं वो कितने एमएम के यूज होते हैं, वो हमारे होते हैं 12 mm के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो लेड शीट की तुलना में सस्ती होती है, गुड इंसुलेटर बिटवीन वायर्स और वायर के बीच इंसुलेशन होता है, देखने में अच्छी लगती है, दोबारा वायरिंग आसानी से की जा सकती है, टेस्टिंग इसकी ईजी है लेकिन इसमें आग लगने का खतरा रहता है, ये सब नमी का इफेक्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। केसिंग केपिंग वायरिंग आप पीवीसी इसका भी ये लो कॉस्ट और वुडन केसिंग केपिंग की तुलना में लो कॉस्ट होती है। इसकी फेज न्यूट्रल वायर इसमें भी अलग अलग होते हैं, ये भी हमारी कैसी गिट्टी और वुडन स्क्रू के ऊपर लगाई जाती है। अगर हम लोग TRS जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर CTS बोलते हैं, हाई रबर सीट वायरिंग, ये भी लो वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है और मेनली ऑफिस के लिए प्रयोग होती है। वायरिंग में CTS का प्रयोग करते हैं, वायरिंग केमिकल वाटर स्टीम प्रूफ होती है, ऑयल और एसी डिफेक्ट से फ्री होती है, लकड़ी के बैटन को क्लिप से रोका जाता है, लकड़ी के बैटन को दीवार पर स्क्रू की सहायता से कसा जाता है। इसके भी एडवांटेज बहुत सारे होते हैं, जैसे गुड लुकिंग हो गया, फॉल्ट को ढूंढना और आसान करना ठीक होता है। डिसएडवांटेज की धूप बारिश वाली जगहों पर नहीं, दूर रखा जाता है, केमिकल इफेक्ट से दूर रखा जाता है। लीड सीट वायरिंग की बात करें तो मेटल सीट वायरिंग होती है, इसमें भी CTS की तरह ही होती है। इस वायरिंग में VIR का इंसुलेशन चढ़ा होता है, कंडक्टर्स लेड सीट का मिश्र सीट चढ़ा होता है। ये सारे पॉइंट्स, इसमें भी जॉइंट्स और क्लिपों का प्रयोग किया जाता है, धूप बारिश वाले स्थानों पर ये प्रयोग की जा सकती है। नमी और जंग से इसमें कैसी होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या, धूप बारिश वाले स्थानों में प्रयोग की जा सकती है, जॉइंट्स पर नमी का नो इफेक्ट होता है, काफ़ी फिजिकली सेफ्टी होती है इसमें। सिस्टम महंगा होता है, एसिड वाले स्थानों के लिए नहीं है। तेज मोड़ देने के लिए जो हमारा लेड है, वो लेड का कवर है, वो टूट सकता है। अब हम लोग कंड्यूट वायरिंग की बात करते हैं, तो ये वायरिंग कितने टाइप की होती है, बस ये सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से देखिए आपके ऑब्जेक्टिव बनने के लगभग चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, अगर अभी तक जिस लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में लगभग पूरा आपकी जो आपकी चैप्टर नंबर जो 4 है ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग कंड्यूट पाइप वायरिंग की बात करें तो वायरिंग हाउस और वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये आग और मैकेनिकल नुकसान से कैसी होती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये कितने टाइप्स की होती है, एक तो हमारी सरफेस होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है, कंसील्ड होती है। सरफेस का मतलब होता है ये जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर अगर हमारी वायरिंग जा रही है, कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट का मतलब होता है पाइप मतलब दीवार के ऊपर पाइप जा रही है, उसके अंदर वायरिंग जा रही है। फ्लेक्सिबल का मतलब ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल होती है। कंसील्ड का मतलब होती है आपके जो नॉर्मल घरों पर होता है, आपने देखा होगा कि पहले ही क्या होता है, जब घर बनता है उसी टाइम हम लोग पाइप वगैरह बिछा देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, जो पाइप है वो कंड्यूट है वो छिप जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग सिस्टम होता है दो टाइप से होता है, एक तो हमारा ट्री सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। और ट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे कोई ब्रश होता है उसमें कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसी तरीके से हमारे ट्री सिस्टम वायरिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक हमारा मेन सर्किट होता है, मेन सर्किट से कई सारे सब सर्किट बन जाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी दो टाइप्स के हो जाते हैं, उसमें एक ज्वाइंट मेथड हो जाता है, एक कनेक्शन मेथड हो जाता है। ज्वाइंट मेथड में क्या इस विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विध में मेन लाइन के उपयुक्त सदस्यों से केबल को क्या करते हैं, जॉइंट लगा कर हम लोग, जैसे अगर ये केबल जा रही है, अगर हमें कोई लेना है तो यहाँ से हम लोग जॉइंट लगा, यहाँ से तार ले लिए, ठीक है ना। ये हमारी जॉइंट मेथड होती है। और इसके बाद अगर हम लोग कनेक्शन मेथड की बात करें तो इसमें मेन लाइन को काट करके कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टर सब सर्किट के लिए। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लाइन को, यहाँ देखिए मेन लाइन हमारी ये आ रही है, इसके साथ हमें जहाँ पर भी हमें लेना है वहाँ पर कट लगा ऐसे ले लिए पावर सप्लाई, यहाँ से देखिए ऐसे, ये इस तरीके से जो हमारे बटन रहे हैं, ये देखिए ये तो हमारे उसके हो गए, ये हमारा किसका हो गया, और ये हमारा कनेक्टर वाला हो गया, जहाँ पर आप ये दो बॉक्स दिख रहे हैं ये कनेक्टर वाला हो गया सिंपल, ठीक है ना। वैसे हैं ये किसके, ये हमारे ट्री सिस्टम के ही पार्ट हैं, ठीक है।
तो ये हमारा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो मेला प्रदर्शनी हो गया, वहाँ पर अनस्टेबल वायरिंग की आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये 40 से 50 मशीनों को इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रदान की जाती है, वहाँ पर बस वायरिंग बहुत है जो सुविधाजनक रहती है, जो टेस्ट सिस्टम जोड़ विधि का एक रूप है। अब इसे याद रखना, जहाँ 40 से 50 मशीनों को अगर हमें नॉर्मली ऐसे सप्लाई देनी है, मतलब वैसे टेम्परेरी टाइप की, तो फिर वहाँ पर हम लोग ये इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस मेरिट और डीमेरिट की बात करें, यानी कि लाभ और हानि की बात करें, तो कम केबल की आवश्यकता होती है क्योंकि जॉइंट आप कहीं से भी दे सकते हैं इसका, लेकिन और कम समय में स्थापित हो जाती है, कॉस्ट कम होती है क्योंकि तार कम लग रहा है। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या होता है कि फॉल्ट ढूंढना इसमें कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे आप मतलब बहुत सारे तार उलझ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छी दिखती नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी शादी और इसमें वगैरह में होता है, मेलो वगैरह में होता है, शादी वगैरह में, तो कितने सारे तार इधर उधर जाते हैं, ठीक है ना, जो लाइन मैन होता है वही सुधार सकता है, ठीक है ना, जो टेंट वगैरह होते हैं ऐसे आप नॉर्मल उसमें नहीं समझ पाएगा कोई, उसमें बहुत सारी मतलब उलझन हो जाती है, मतलब बहुत सारे तार इधर उधर हो जाते हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट पर भिन्न भिन्न वोल्टेज होता है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक जगह पर जब भी कहीं पर, इतना याद रखना दोस्तों, अगर हम कहीं पर भी जॉइंट्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप, तो हर जगह पर भिन्न भिन्न हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, वोल्टेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, इस सिस्टम में मेन लाइन में दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं, वहाँ से भिन्न भिन्न ब्रांच में बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का प्रयोग एक या दो रूम्स के लिए होता है, कई मंजिल वाले भवनों में प्रत्येक तल के लिए कम से कम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अवश्य लगा देते हैं। सब सर्किट पर MCB इजिली कनेक्ट की जा सकती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो लाइट फैन के लिए होता है, उसमें अधिकतम 8 पॉइंट और 800 वाट और तक का लोड होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। सिंपल सा जो आपके घरों में जो दिखता है ना कनेक्शन, वही एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, ठीक है ना। कि पहले क्या होता है, मेन एनर्जी मीटर से लाइट आती है, फिर आपके घर में एक बोर्ड लगा होता है, रूम में बोर्ड लगे होते हैं, हर एक रूम में बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आप जैसे कॉरिडोर पे, अगर जैसे कॉरिडोर के किनारे आपके चार रूम है, तो पहले उन चारों रूम का एक जगह से कनेक्शन होगा, फिर उन एक जगह से कनेक्शन चारों रूम पे गया तो सर्किट सब सर्किट ऐसे बन जाते हैं। इसमें फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पर वोल्टेज इक्वल होता है, सर्किट में परिवर्तन एम्पलीफाई करने में मतलब सरलता होती है। इनिशियली कॉस्ट, हाँ इसमें क्या होता है, बहुत सारे आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज कर रहे हैं तो इसमें से क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। देखिए इसमें मेन हमारा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर से देखिए यहाँ से आए, यहाँ से इसके बाद यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा सब, इसमें हमारा ये सर्किट वाला बोर्ड है, और इसके बाद इसके सब सर्किट सब डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसके बाद ये हमारे हर एक रूम के लिए अपना सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है। लूपिंग मेथड की बात करें तो लूपिंग मेथड में क्या होता है कि इस किसी भवन के विभिन्न कक्षों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में वायरिंग स्थापित करने के बाद लैंप, ट्यूब, फैन, सर्किट आदि की वायरिंग लूपिंग मेथड से की जाती है, ठीक है ना। अभी इस चीज़ को याद रखना, आप अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। अब कैसे होता है लूपिंग मेथड में, देखिए लूपिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें केबल को हम लोग कट नहीं करते हैं। देखिए आप पहले तो एक देखिए, ये इसमें से एक तो ये तार सीधे चला गया फेज का, इसमें से हमने लगा दिया ये देखिए स्विच। अब हम लोग न्यूट्रल का एक वायर ला रहे हैं, ये लाए इस फैन से कनेक्ट किया, फिर यहाँ सॉरी लाइट से कनेक्ट किया, फिर इस लाइट से लाए ऐसे, तो देखिए इसमें हम लोग तार को कट नहीं कर रहे हैं, इसमें से मतलब लूप टाइप का दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या, इसका इसमें जॉइंट और कनेक्शन प्रयोग नहीं होते, दिखने में बहुत अच्छी होती, आग लगने की संभावना बहुत कम होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स वगैरह नहीं होते और अधिक लंबे केबल यहाँ पर, लेकिन डिमेरिट ये होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा केबल की आवश्यकता पड़ जाती है और इससे कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारे जो वायरिंग कितने टाइप्स का होता है, उसके क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं हर एक क्लास की PDFs और अभी जो 400 ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन जो थे, मैं एक साथ उनकी PDF भी अभी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने IMR में अभी तक आपने जो 400 क्वेश्चन नहीं देखे, प्लीज़ जाइए, मैं कह रहा हूँ जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ जाके देख लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अभी 2-3 दिनों में आपको सारा सिलेबस फिनिश बिल्कुल करवा दूंगा, उसके बाद आपको एक दो क्लासेस और प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, बस इतना एनफ है, ठीक है ना। बार बार से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ अगर अभी तक किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अभी जाके क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। और इसी तरीके की आपको क्लासेस आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर, आपको 2-3-4 दिनों में आपका पूरा सिलेबस अभी आपको फिनिश बिल्कुल करवा दिया जाएगा। आइए हमारी सब्जेक्ट को तो कंप्लीट ही करवा दे, बस UEE और EDD बचा है, इसमें 2-3 चैप्टर बचे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक अच्छे लेवल पर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई डाउट्स हो दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट्स हो आप बहुत ज़्यादा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जिस
क्या पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे भी रखा है, वहाँ से आप भी जोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ्स, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स की पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होती हैं, क्योंकि क्या होता है जो नोटिस वगैरह आती हैं उन सबकी मैं वीडियोस तुरंत नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन मोटो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी कराना है अच्छी से अच्छी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं मतलब ये नोटिस वगैरह की जो वीडियो लोग सभी लोग बनाते हैं तो वैसा मैं नहीं बना पाता जल्दी से, तो मैं उसकी, लेकिन हाँ वो मैं इन्फॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ जहाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे की कोई भी कैसी भी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ जाइए जल्दी से और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपका ये जो इतना सारा सपोर्ट है, प्यार है, इसी वजह से ही कहीं ना कहीं आप लोगों को इतनी ज़्यादा क्लासेस मिल रही हैं और मिलेंगे भी, ठीक है ना दोस्तों। सो अगर दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, थैंक यू दोस्तों। और डेली आपको क्लासेस इसी तरीके से मिलेंगी, एक दोपहर के लगभग मिलेगी, और नाइट में भी दोस्तों भूलिएगा मत, नाइट को भी अभी एक क्लास होगी, 8 to 9 PM के बीच एक क्लास हो रहेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।